मैं जितेंद्र सिंह पेरवाल इंदौर फिजिकल एकेडमी सत्यादी शर्मा क्लासेस से। दोस्तों आज हमारा टॉपिक रहेगा, आज का हमारा स्पेशल वीडियो रहेगा कि जब आप रनिंग करते हैं तो आपका जो नी बहुत ज्यादा दर्द करता है, तो इस दर्द को किस प्रकार भगाएं, कौन सा वर्कआउट करें, कौन सी एक्सरसाइज करें। और जो वर्कआउट में एक्सरसाइज करवाऊंगा आपको ओनली फॉर स्पेशल आपके नी के लिए रहेगा कि बोले सर हम रनिंग करते हैं हमारा नी बहुत दर्द करता है, लिगामेंट बहुत दर्द करता है, और इसके बाद में आपकी थाई एक्सरसाइज हो जाएगी और इसके साथ में आपका लेग एक्सरसाइज होगी। दोस्तों ये दर्द इसलिए करता है कि जिस प्रकार आप सही व्यवस्थित वाले जूते नहीं पहनते वो सही तरीके से आपका दर्द होता है, मतलब इंजर्ट लगता है, मतलब इंजरी आ जाती है, जब जर्क लगता है, जब आप रनिंग करते समय जर्क लग जाना अचानक या गड्ढे में पैर आ जाना, उससे भी आपका लिगामेंट्स ब्रेक होने की बहुत ज्यादा संभावना होती है और यही कारण होता है कि आपका घुटना दर्द करता। तो दोस्तों आपके बीच कुछ स्पेशल एक्सरसाइज लेके आए, इन एक्सरसाइज को आप फॉलो करो, आप जरूर जो आपका नी दर्द हो रहा है, जो आपका घुटना पेन कर रहा है, बिल्कुल रिड्यूस होगा। तो दोस्तों फर्स्ट एक्सरसाइज देखिए, आप डाउन इसी प्रकार आपको 45 का एंगल पे झुकना है, 45 पर जहां अपना नी पर खिंचावाना चाहिए पूरा परफेक्ट तरीके से जितना हो जाए। इसके साथ में तुम्हारी थाई भी स्ट्रेच होगी और तुम्हारा नी स्पेशल अप जिस प्रकार ये बंदे कर रहे थे, उसको जितना ज्यादा स्ट्रेच करोगे आप, जितना अप जाएगा उतना ही आपका नी में जो पेन हो रहा है बिल्कुल रिड्यूस होएगा। अप 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 इसी के अंतराल सेकंड एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6 7 इसी के अंतराल आपके थर्ड एक्सरसाइज। यहां पर जितना ज्यादा स्ट्रेच होगा उतना ही आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, इनर खिंचावारा है, यस सर, फुल खिंचिए, थाई पे खिंचावारा है, यस सर, सिंपिन पे खिंचावारा है, यस सर, आउट यस खिंचिए, पूरा फुल खिंचिए, इनर आउट इनर आउट फूल खींचे आरा खिंचाओ, यस सर। इसके बाद हम देखेंगे फोर्थ एक्सरसाइज का, झुकिए ये वाला खिंचाओ पूरा, जितना ज्यादा दर्द करेगा जो आपका नी उतना ही आपको क्या मिलेगा, फायदा बेनिफिट मिलेगा, एडवांटेज। आरा खिंचाओ, यस सर। अब क्या करना है दोस्त, एक पैर को तुमको अप रखना है, सेकंड पैर को डाउन करना है, ओके कंटिन्यू करिए। पहले ये वाला पैर उठाइए, ये वाला इधर वाला, डाउन अप डाउन अप डाउन। यहां पर ये वाला स्टेज अप फुल डाउन, इसी के अंतराल हम देखेंगे पांच स्टेप, खिंचा वा रहा है, यस सर। इसमें आपके थाई भी, तुम्हारी नी और इसके साथ में तुम्हारा लेग वेरी इंपॉर्टेंट रनिंग के लिए रहता है और वही हमारा शरीर का पार्ट स्ट्रांग हो रहा है। फुल खींचे पूरा, जितना ज्यादा आप उसको स्ट्रेच और जितना ज्यादा कष्ट दोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। इसी के अंतराल हम देखेंगे अब सिक्स एक्सरसाइज, डाउन डायरेक्शन पूरा चेंज, ये वाला अप डाउन अप डाउन, अपनी खोपड़ी अपने नी पर टच करिए, पकड़ के पूरा खिंचाव आ रहा है, यस सर, अप डाउन अप डाउन, अपनी खोपड़ी टच करिए अपने नी पर, अप डाउन, अपनी खोपड़ी टच करिए अपने नी पर,
इसके अंतर्गत हम देखेंगे अब 7 एक्सरसाइज। एल पोजिशन, इसे होल्ड रखना है एल पोजिशन, फिर आपको एकदम स्ट्रेट जाना है, आउट जाना है और वापस होल्ड करना है। 1 2 एल पोजिशन 1। क्या करना है आपको, जो तुम्हारी हिल्स होती है उसको हिप पर टच करना है और डाउन साइड एकदम स्ट्रेट करना है, स्ट्रेट। और इसके बाद में हम देखेंगे दोस्तों, बहुत हार्ड एक्सरसाइज रहेगी, वो एक्सरसाइज आपका लेग, थाई और इसके साथ में तुम्हारा रहेगा नी। जितना ज्यादा आपको स्ट्रेच आएगा उस एक्सरसाइज में, उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। वह एक्सरसाइज को नाम दे रहे हैं 8 1 2 3। 1 लेग चेंज करना है, 1 2 3 1 2 3। क्या करना है आपको, इस पैर को एकदम स्ट्रेट करना है और इस प्रकार आपको किक मारना है, जैसे ये रखा और ये पूरा यहाँ पर इस पर डाउन होना चाहिए, डाउन करके पूरा ये पूरा स्ट्रेट ये। ओके, साथ देखेंगे 9th एक्सरसाइज। 2 3 1 2 3 1 2 3। लास्ट एक्सरसाइज दोस्तों रहेगी, वो नॉर्मल एक्सरसाइज रहेगी और वही हार्ड एक्सरसाइज रहेगी। दोस्तों वीडियो कभी आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करना। और लास्ट एक्सरसाइज हमारे देखिए दोस्तों, आप यहाँ नी अपना रोटेट मतलब घूम रहा है, मतलब टच हो रहा है, वहां पर जमीन पर जा रहा है, खिंचाव आ रहा है। यस, अब दोनों पैर एकदम जमीन पर तुम्हारा लैंड होना चाहिए, डाउन। अप डाउन अप लेग चेंज डाउन अप डाउन, खिंचाव आ रहा है। जी सर, मैंने बताया आपको कि दोस्त जितना ज्यादा स्ट्रेच होगा उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। साथियों ये जस्ट आपको हमने एक्सरसाइज बताया है, स्पेशल नी जो आपका पेन करता है वह पेन को आपको रिड्यूस कर देगा, बिल्कुल भगा देगा। लेकिन कम से कम इन एक्सरसाइज को आप कम से कम 30 से 45 सेकंड दीजिए और रिपीटेशन से करिए। जय हिंद साथियों, कभी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।